राजस्थान पुलिस बेड़े के नए मुखिया की घोषणा हो चुकी है। खुद उमेश मिश्रा सर का नाम का चयन किया गया और खुद उमेश मिश्रा सर हमारे साथ उनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ उनकी प्राथमिकता रहेगी। सर सबसे पहले शुभकामनाएं आपको फर्स्ट इंडिया परिवार की ओर से। थैंक यू सर, क्या कुछ प्राथमिकता रहेगी जानना चाहेंगे शुरुआत दौर में। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये मेरे लिए बहुत गौरव की बात है कि राज्य सरकार ने हमें इस पद पे नियुक्त किया है, डीजीपी राजस्थान के पद पे। तो अभी तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा और दिन की शुरुआत गोविंद देव जी के दर्शन से मैं करूँगा। सर काफ़ी लंबा अनुभव है सर आपको, सतत ACB साथ ATS SOG भी संभाले हुए आपने, अपराधियों पकड़ बात काफ़ी अच्छी है। राजस्थान की लेकर बात करें तो किस प्रकार की? ये सब बातें 3 तारीख को अपन करेंगे जब हम अज्यूम कर लेंगे चार्ज। अभी तो डिजिग्नेटेड मैं हूँ, तो ये सारी बातें अपन 3 तारीख को करेंगे। थैंक यू। तो ये थे राजस्थान के पुलिस के नए मुखिया DGP उमेश मिश्रा सर, जिनका साफ कहना है कि अपराधियों पे लगाम लगाना भी जरूरी है और साथ साथ पुलिस बेड़े को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने भी इनका प्राथमिकता रहेगी। फिलहाल बता दें आपको काफ़ी लंबा अनुभव इनको रहा है, ADG ATS SOG रहे हुए हैं, ACB में रहे हुए हैं, भरतपुर चूरू में SP रहे हुए हैं और साथ साथ जोधपुर में IG के तौर पर रहते हुए उन्होंने काफ़ी बेहतर काम किया है। उम्मीद करते हैं कि राजस्थान में उमेश मिश्रा जैसे अफसर को DG बनाने पर एक पुलिस विभाग को नई ऊँचाइयाँ जरूर मिल पाएगी। मेरे साथी सुरेंद्र सर सत्यनारायण शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ जयपुर। तो चलिए आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं और हमारे सहयोगी सत्यनारायण ने जो कि राजस्थान के नए मुखिया बनेंगे DGP उमेश मिश्रा उनसे बातचीत करी, तो उन्होंने इस दौरान कहा कि आज के दिन की शुरुआत, क्योंकि कल ही यह आदेश जारी किया है कार्मिक विभाग ने, तो आज के दिन की शुरुआत आराध्य देव गोविंद देव जी के दर्शन कर शुरुआत करेंगे। हालांकि प्राथमिकता को लेकर के जब सवाल उनसे किया गया तो कहा कि उनकी प्राथमिकता अपराधियों पर लगाम लगाना रहेगी। जिस तरह से पहले भी ये कार्य करते आए हैं बखूबी उन्हें जानकारी है किस तरह से खुफिया तंत्र काम करता है, क्योंकि देखिए DG इंटेलिजेंस वे हैं वर्तमान में, बखूबी समझते हैं किस तरह से अपराधियों को पकड़ा जाए, किस तरह से खुफिया तंत्र कार्य करता है और कई महत्वपूर्ण कार्य इसी कड़ी में उन्होंने किए हैं और आगे भी इस तरह से कार्य करते रहेंगे। प्राथमिकताओं को लेकर के जब सवाल किया गया, हालांकि एक मुस्कुराहट भी चेहरे पर उनकी नजर आई और कहा कि आगे की बातें जब पदभार ग्रहण करेंगे 3 नवंबर को उसके बाद ही करेंगे, लेकिन दिन की शुरुआत आज भगवान के दर्शन के साथ करेंगे, क्योंकि बड़ा दिन देखिए उनके लिए भी है। राजस्थान पुलिस के देखिए मुखिया के तौर पर अब उन्हें आगे कार्य करना है। आगे बढ़ते हैं।